नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसेड़ में ही मौजूद विधानसभा परिसर में सूर्य नमस्कार के उपरांत शासन और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक की है और साथ ही क्षेत्रीय लोगों के साथ संवाद करते हुए युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक परिवार सहित ही हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और बृजेश पाठक द्वारा कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की गई। वहीं सुबह मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश रवाना हो गए और बृजेश पाठक ने कानपुर की घटना को निंदनीय बताया है और कहा है कि इस मामले में जाँच की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बताते चले कि समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए बृजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि जनता ने उन्हें 4 चुनाव में नकार दिया है और उनके कई गठबंधन बनाने के प्रयास भी असफल हुए हैं। और 2024 चुनाव को लेकर बृजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और प्रचंड जीत दर्ज करेगी। और वहीं बृजेश पाठक का कहना है कि कानपुर की घटना की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से मिली है और मेरे द्वारा इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए बृजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी को 4 चुनाव में जनता ने नकारा और उनके कई गठबंधन के प्रयास भी असफल साबित हुए हैं। अब मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है, पूरी प्रकरण के जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ है नहीं, न नीति न एजेंडा। जनता ने उन्हें 14, 17, 19 और 22 4 चुनाव में लगातार नकारा है और कई गठबंधन के प्रयास भी असफल साबित हुए हैं। तो पुलिस के तफ्तीश का विषय है, ये डे टू डे हमारे पास फाइलें नहीं आती हैं। हमारी सरकार का स्टैंड ये है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब खबर श्रीनगर से है, जहां गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। बजट सत्र के पहले दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा और भर्ती घोटाला, जोशीमठ आपदा समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता विधानसभा कूच करेंगे और इस दौरान ही प्रदेश सरकार पर भारी विरोध देखने को मिल सकता है। ओपिनियन रखती हूँ कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बजट में कोई ना कोई जगह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर विमेन अच्छा, लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सिर्फ ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ट्रेनिंग्स हो रही हैं और उनके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार उनको सपोर्ट करती है तो सोचते हैं इस तरीके के बजट के प्रावधान, इस तरीके के बजट में जरूर एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विमेन जो अपने आप को स्वरोजगार से स्थापित करना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उनके लिए उस बजट में जरूर जगह। सरकार कुछ भी कहे कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, अगर वो योजना धरातल पे नहीं उतर रही है और विशेषकर पहाड़ में नहीं उतर रही है तो फिर उन योजनाओं का क्या महत्व है। गैरसैंण भराड़ीसेड़ में प्रारंभ हुए बजट सत्र में पहले दिन कई संगठनों और कांग्रेस द्वारा विधानसभा कूच का आह्वान किया गया था। विधानसभा स्थल से 30 किलोमीटर दूरी सिमली में से ही पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग के बाद वाहनों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है और पहले बैरिकेड पर ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका गया और कांग्रेस के ही लोगों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन को आगे कर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाला, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से न्याय की मांग को लेकर विधानसभा में बैठे सरकार के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी आवाज को दबा रही है। यहाँ पे आए हैं कहाँ पे अभी और क्या कुछ देखिए, आज कैसर विधानसभा का जो चुनाव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आह्वान से हम लोग करने जा रहे हैं। 40 किलोमीटर पहले सिबलिंग पे गाड़ियों को रोक दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही जो है निर्णय ले लिया था कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड सरकार ने बजट सत्र को जो है चलाने के लिए जो डेडलाइन तय की है, आज 13 तारीख से शुरू है और ये 18 तारीख तक कहने की बात है, लेकिन लगता है कि अधिकारी जो है इस समय खाली गैरसैंण में रस्म अदायगी के लिए सरकार और अधिकारियों ने मन बना रखा है। और क्या किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? हम लोग आज विधानसभा घेराव के लिए जा रहे हैं भराड़ीसैंण में। हमारा जो मुख्य मुद्दा है ये है पुरानी पेंशन बहाली का।
क्योंकि कुछ विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, अपने आप तो दो तीन तीन पेंशन खा रहे हैं, और हम लोगों का जो भविष्य है वो बाजार के हवाले कर दिया। चले रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी के पीलीभीत जनपद में भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत पीलीभीत की नवीन मंडी स्थल में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही राज्यपाल शर्मा और प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने समीक्षा बैठक की और दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 मार्च को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। समीक्षा बैठक के दौरान ही जनपद के पदाधिकारियों का फेरबदल प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल शर्मा ने सर्वसम्मत किया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश सचिव बनाया गया, और इस दौरान ही प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल शर्मा ने कहा कि कई मांगों को लेकर 20 मार्च को जंतर मंतर पर महापंचायत होगी। आज नक्तो मुख्य रूप से समीक्षा बैठक है कि हमारा संगठन किस स्थिति में था, और हम आज रणनीति तय करेंगे। सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इन्होंने कई तरह के वादा किए, वो वादा आज तक नहीं निभाए, और ये और थोप दिया गया कि किसान की एक नौकरी लगा दी गई पूरे परिवार की पशुओं को रखाने के लिए, पूरे दिन और रात में पड़ा रहता है। उसके बाद भी पहली सरकार तारबंदी कराती थी, इन्होंने आदेश कर दिया है कि किसान कोई तार नहीं लगाएगा, कटौती नहीं, तो किसान के साथ बन जाए, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले महीने हमारा दिल्ली में बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चला था, सरकार से हमारा लिखित रूप से समझौता हुआ, सरकार के द्वारा उसमें वादा खिलाफी की गई। MSP पर कमेटी बनाने की बात आई थी, उसमें ये थी 5 लोग संयुक्त मोर्चा के लिए जाएंगे, और पहले तो कमेटी नहीं बनाई, काफ़ी दबाव के बाद घुमा के कमेटी बनाई, तो उसमें ऐसे लोगों को उन्होंने शामिल कर लिया जो उन कानूनों के समर्थक थे, तो उन लोग हमें स्वीकार नहीं थे जब उस समय वो सरकार के हाथों में थे, हम उनसे क्या उम्मीद। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल ने जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुआ है, और सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। सदन के बाहर ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, और वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी सभी विपक्ष के विधायकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। काफ़ी समय से यहाँ पर ऑलरेडी हैं, और मैं भी 11 तारीख को यहाँ पहुँची थी और पूरी सदन को देखा मैंने, सारी बिल्डिंगें देखी, और हमारी पूरी तैयारी चुस्त दुरुस्त है, और मुझे पूरा विश्वास है कि डीएसएन का बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र है, जहाँ महामहिम का अभिभाषण और साथ ही साथ बजट सत्र भी ये होने जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण सत्र 3 साल के बाद गैरीसैंण में होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बढ़िया सत्र यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में हवा में प्रदूषण का जहर जो है वो लोगों को मुफ्त में बीमारी बांट रहा है। जानकारों का कहना है कि मुरादाबाद मंडल में हवा में जहरीले धुएं से लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं, और ये धुआं ईंट भट्टे में जल रहे प्लास्टिक और कपड़े से हो रहा है, और इसके साथ ही कहते हैं कि ये कोयले और लकड़ी महंगा होने के कारण ईंट भट्टे के कारोबारी अवैध चीज़ें जलाकर ईंट पकाकर अपनी जेबें भर रहे हैं, और लोगों को बीमारियाँ के रूप में ही मौत बांट रहे हैं, और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक लोगों में टीवी का असर देखने को मिल रहा है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। यूपी सरकार भले ही शमशानों के सौंदर्यीकरण को लेकर काफी संदिग्ध हो, लेकिन बावजूद इसके सरकारी अमला सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहा है। फिरोजाबाद में शमशान में ही रास्ते में गंदा पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और शमशान में शवों को लाते वक्त लोगों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़ता है। नगर पंचायत में कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं कराया गया है, जिससे लोगों को अब गुस्सा भी लोगों में देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। 3 ग्राम समाज की मिट्टियां आती हैं, और साहब कई बार अवगत कराया है ग्राम पंचायत के ईओ साहब को नगर पंचायत में, और कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी ग्राम पंचायत के लोग भी गए उनके पास, तो बस हाँ वो कहते हैं साहब बजट पास हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है साहब यहाँ मिट्टी को ले जाने में।
लेकिन कितनी बार कितनी बार क्या कह देते हैं यू साहब? कह देते हैं कि साहब हो जाएगी, समस्या समाधान करा देंगे। 10-20 बार गए हैं वहाँ पर, ग्राम पंचायत के लोग भी गए, हम भी गए, काफ़ी लोग जाते हैं इकट्ठे होकर, कोई सुनवाई नहीं है आज तक। इटावा के चोबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत 27 साल का एक युवक का शव लैट्रिन टैंक में ही मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को वहां से निकाला है और कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल इटावा जनपद के थाना चोबिया क्षेत्र के बरालो का पूर्व गांव का रहने वाला 27 वर्षीय सचिन 9 तारीख से ही गायब था और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था और जिसके बाद परिजनों ने थाना पुलिस को सूचना दी और लोगों की सूचना पर ही पता चला कि पास के ही एक खाली मकान में खुले हुए लैट्रिन टैंक में ही एक शव पड़ा हुआ है। मृतक युवक के परिजनों का ही साफ तौर पर कहना है कि मामला संदिग्ध है और युवक की हत्या की गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण और भारी पुलिस बल के साथ सबको टैंक से बाहर निकाला गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि टैंक में गिरने से युवक की मौत बताई जा रही थी और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु यादव है, अंशुल यादव। क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ घटना का भाई 9 तारीख से लापता था और कोई यहाँ खबर ही नहीं थी। हमने थाने में तहरीर दी और दो लड़के थे उस दिन, होली के दिन दारू वारू पी मतलब पी रहे थे सब लोग, तो वो यहाँ गया एक लड़के के साथ। शाम को एक ठाकुर लड़का है उसके साथ गया वो ठाकुरों के पास। वहाँ इन्हें लास्ट मतलब शाम के टाइम लास्ट दारू पी, वहाँ से फिर पता नहीं चल रहा था कि गया किधर। उस लड़के को पूछा, उस लड़के ने कहा हमने 8 बजे यहाँ देखा है, एक दुकान है यहाँ पर चूनी की। सर, चोबिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक डेड बॉडी मिली है पानी के टैंक में, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये बरालोकपुर में सचिन नामक युवक का शव मिला है और ये 9 तारीख को शाम को गायब हो गया था और 11 तारीख में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने भी और परिजनों ने भी ढूंढा, लेकिन एक बंद पड़े मकान के जो टैंक है वो खुला था, उसी में इसका शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि कोई घटना भी हो सकती है, क्या है? तो पोस्टमार्टम के बाद में जो है उसमें जो भी फैक्ट आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। मुनी की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत राफ्टिंग करने के दौरान एक युवती की गंगा में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुनी की रेती थाना पुलिस के मुताबिक 11 मार्च को हरियाणा के अंबाला से 5 सदस्यों का एक दल मोहन चट्टी जंगल कैंप करने गया था और राफ्टिंग के दौरान ही गोल्फ कोर्स के ही रैपिड कर राफ्ट अचानक पलट गई और घटना में राफ्टिंग गाइड ने राफ्ट को सीधा करते हुए सभी सदस्यों को बाहर निकाल कर राफ्ट में और इस दौरान ही एक युवती बेहोश हो गई जिसको आनंद फानंद में सड़क तक लाने के बाद ही एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश लाया गया और डॉक्टरों ने जांच के दौरान ही युवती को मृत घोषित कर दिया है। मुनी की रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि मृतक युवती की पहचान 28 वर्षीय रूपा कुमारी अंबाला के रूप में हुई है और घटना के दौरान ही उसका भाई आदित्य भी साथ में मौजूद था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र में अचानक बेमौसमी बर्फबारी हुई है और यहां देर शाम अचानक बदले मौसम ने घाटी में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि की है और इससे पूरी घाटी ओलों से पलट गई है। बता दें आपको कि ओले पड़ने से पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बेमौसम ओले और बर्फबारी ने खड़ी फसल को तबाह कर दिया है। बताते चले कि ओलों की बरसात ने गेहूं, आलू, धनिया, मिर्ची आदि फसलों को बर्बाद कर दिया है, जबकि फलदार और फूलों से लगदार पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और क्षेत्र के समाज कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक द्वारिका प्रसाद भट्टा ने बताया है कि ओले पूरी तरह से बर्फबारी की वजह से ही ये जो खेती है वो खराब हुई है, इससे पूरी घाटी में ठंड और ठिठुरन भी बढ़ गई है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि ओलों ने पूरी घाटी में फसलें बर्बाद कर दी है। बारिश हुई उसके बाद ओले भी गिरे और ओले गिरने से जो है गाजना क्षेत्र में जो है लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे लोगों ने आलू की खेती की हुई उसमें भी भाई बहुत क्षति हुई और धनिया, लहसुन, प्याज आदि काफ़ी चीज़ों का जो है लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। सरसों की भी आजकल जो है खेती शुरू हो चुकी है जो अब तैयार हो गई है,
वो भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ओलावृष्टि हुई है, जिससे काफ़ी कार्यना क्षेत्र वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कोरोना के बाद देश के कई शहरों में H3H2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने दस्तक दे दी है और इस वायरस का प्रकोप दिल्ली सहित अन्य शहरों में तेजी के साथ फैल रहा है। इस वायरस के लक्षण में ही मरीज को तेज बुखार, खांसी और सांस की समस्या का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य विभाग इसको बता दें इस वायरस को ही लेकर गंभीर हो गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है और CHC मंगलोर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर तालिया ने बताया है कि इस इन्फ्लुएंजा वायरस से डरने की जरूरत नहीं है और सरकारी अस्पतालों में बुखार और खांसी से संबंधित मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं और मौसम में बदलाव हो रहा है जिसके कारण बुखार जैसी बीमारियों से पीड़ित है। अगर इस वायरस के कोई लक्षण दिखाई देंगे तो इससे बचाव के लिए उनके सैंपल की जाँच कराई जाएगी और जिला स्वास्थ्य विभाग नो गाइडलाइन जारी की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि CHC अस्पताल इस इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर गंभीर है, जबकि स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से बचाव के लिए सलाह दे रही है कि लोग अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करें और बुखार जैसी समस्या होने पर चिकित्सकों की राय जरूर लें। मैं चाहूंगा ये जो सीजनल जो वायरल होता है, फ्लू होता है, उसकी कैटेगरी है ये, इसको H3N2, ठीक है। तो वास्तव में जो अभी यहाँ पे इतने कोई केस हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में तो कोई नोटेड नहीं है। इसके जो लक्षण होते हैं वो जैसे फ्लू के ही होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, शरीर दर्द होता है, ड्राई कफ इसमें ज़्यादा होता है, तो उस टाइप के होते हैं। और एक टाइम के बाद में ड्राई कफ जरूर इसमें कई बार रहता है, जबकि आपको बुखार उखार भी सबसाइड हो जाते हैं, तो ड्राई कफ की इसमें कंप्लेंट बताई जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि कोई वायरस बीमारी है तो इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ जो उसका नेचर होता है, टेंडेंसी कैसे वो आपको रिफ्लेक्ट करती है बीमारी को, थोड़ी चेंज हो जाती है। बट ये ऐसे कुछ एकदम सीवियर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर किसी को होता है घर में तो आप PCM भी ले सकते हैं, नॉर्मल एक आप क्रोसिन ले लें, उसमें चलता रहेगा, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।